दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर ज़मीन खरीदने के लिए आपने एग्रीमेंट कर लिया है और आप जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं आपने उसको पैसा भी दे दिया है, लेकिन अब वह व्यक्ति ज़मीन का रजिस्ट्री करने से मना कर रहा है, तो फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके पास क्या कानूनी उपाय है? तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आज के समय में ऐसा कई केसेस देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति है जो किसी से ज़मीन खरीदना चाहता है, उसने एडवांस पैसा भी दे दिया है और एग्रीमेंट भी बनवा लिया है, लेकिन जब ज़मीन रजिस्ट्री करने का समय आता है तो फिर सेकेंड पार्टी जो ज़मीन बेचना चाहता है वह आनाकानी करता है, वह ज़मीन रजिस्ट्री करने से मना कर देता है। तो फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे? दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति एग्रीमेंट कर लेता है तो फिर उसके बाद वह ज़मीन रजिस्ट्री करने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट करने के बाद वह व्यक्ति कानूनी तरीके से बन जाता है। तो अगर कोई एग्रीमेंट करने के बाद ज़मीन का रजिस्ट्री करने से मना कर दे तो फिर यह एक तरह का अपराध है, यह अपराध के श्रेणी में आता है और यह धोखाधड़ी का मामला बनता है। तो फिर यहाँ पर FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हो सकता है, या फिर आप सीधे कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और फिर एग्रीमेंट के शर्तों को पालन करने के लिए उसे मजबूर कर सकते हैं। फिर उसे न चाहते हुए भी ज़मीन का रजिस्ट्री करना होगा, क्योंकि वह व्यक्ति ने पहले ही ज़मीन अपना बेचने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है और आपसे पैसा भी ले लिया है, तो यहाँ पर वह व्यक्ति चाह कर भी नहीं मुकर सकता है, और अगर मुकरता भी है तो उस पर निश्चित ही कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन ज़्यादातर केसेज में कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे ही पुलिस से कंप्लेन होता है तो फिर जो दूसरा पार्टी है वह ज़मीन रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी से ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर भविष्य में खरीदना चाहते हैं तो फिर आप एग्रीमेंट ज़रूर करें, ताकि कल को वह व्यक्ति अगर अपनी बातों से मुकर जाए तो फिर उसे मजबूर होना पड़े, आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप एग्रीमेंट करें। दोस्तों, ज़मीन खरीदने से पहले आपको एग्रीमेंट कैसे करना चाहिए, मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आप चाहते हैं कि आप ठगे न जाएं, ज़मीन लेने पर कोई भी विवाद ना हो, इसके लिए आप एकदम अच्छे से एग्रीमेंट करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपकी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है और दूसरे लोगों को भी काम आ सकती है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें।